हेलो, अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश आबाद रखे, ढेर सारी खुशियां दे, आमीन सुमा आमीन। चलिए आइए अब रेसिपी की तरफ आते हैं। आज मैं बना रही हूँ शनवारी मटन कढ़ाई, जो कि बहुत मज़े की बनती है और आपको न्यू मेथड से आज मैं आपको रेसिपी दूँगी। चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये मटन लेके अच्छे से वाश आउट किया। वाश आउट करने के बाद इसमें दही, नमक, मिर्ची, अदरक, लहसुन लगा के तकरीबन 3 घंटे मैरिनेट करने के लिए छोड़ दिया। ये अच्छे से मैरिनेट हो गया, अब इसको पकाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने फ्लेम ऑन की, ऑयल डाला, ऑयल गर्म हो गया तो ये अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी। इसको पकाएँगे हम। इसको पकाने के बाद इसमें मसाले डालूँगी शनवारी मसालों के लिए, नमक, मिर्चें, हल्दी, गरम मसाला, थोड़ी सी जायफल जवत्री और साबित लाल मिर्च और साबित धनिया। मैंने ड्राई रोस्ट करा, उसके बाद मैंने इसे पीस लिया। पीस के बस अभी मसालों में इसमें शामिल कर दूँ। तो ये साबित धनिया और साबित लाल मिर्चें ड्राई जो होती हैं, इन दोनों के टेस्ट से ही बहुत मज़े का टेस्ट बनता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपका कढ़ाई गोश्त कैसी बनी। तो बस इसे फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट जब हो जाएगा तो बस ये इसमें शामिल कर दूंगी। सारा अदरक लहसुन इसमें भी थोड़ा सा अदरक लहसुन डाला है ताकि जो स्मेल वगैरह आती है वो बिल्कुल ना आए। इसे मैंने सिरके से धोया, अच्छे से पहले बेसन से धोया है ताकि स्मेल ना आए। और बस इसे अच्छे से धोने के बाद मसाले लगा दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बस इसमें शामिल कर दें। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़े का बनता है मटन कढ़ाई। आप बीफ की भी बना सकते हैं, मटन की भी बना सकते हैं, चिकन की भी बना सकते हैं इन्हीं मसालों से। तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, इसे बंद कर दूंगी ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए और फिर 5 मिनट बाद इसे चेक करेंगे। तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं, अब इसे देखते हैं। और इसमें ही मैंने टमाटर काटे हैं, टमाटर शामिल करूंगी। इसे दोबारा फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे ताकि मसाले डालकर काफ़ी अच्छे से मसाले मिक्स हो जाएं। इसके ये जो सब मसाले हैं, जायफल जवत्री और भुना कुटा ज़ीरा, नमक, मिर्चें, हल्दी और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला लिया, इन सब मसालों को इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत मज़े का बनता है, बहुत अच्छा बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप भी। ये देखिए जनाब, आप मेरे स्टाइल में बनाइएगा, आप वोटों का भूल जाएंगे, इतने मज़े का बनता है ये। एक लेमन ऐड करूँगी, हाथ इसमें रख लिया ताकि इसमें भीग नहीं जाए। और ये हरी मिर्ची मैंने कट की है, ये भी इसमें शामिल कर दूँगी। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़े का बनता है। थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करूंगी और फिर इसे गलने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी। फिर हम इसे नान के साथ, तंदूरी रोटी के साथ खाएंगे। अच्छे से गल जाए बस इसे भूनेंगे और इसे फिर डिश आउट करेंगे। साइड पे मैंने कोयले भी रख दिए, जब तक कोयले हो जाए ये देखिए। और थोड़ा सा ये दही इसमें शामिल करूंगी। बस
अच्छे से हम इसे गलाएंगे ताकि गल जाए और जो इसका पानी भी ड्राई हो जाए। और आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। इस तरह सपोर्ट कीजिए। अगर आप पहली दफ़ा आएँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आपको मेरी रेसिपी देखने को मिले। और बस इसके पानी को हम ड्राई करेंगे और थोड़ी देर के लिए बंद कर देंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह मटन कढ़ाई हमारी, शनवारी मटन कढ़ाई। अब मैं इसमें कोयले का स्मोक दूंगी। ऑप्शनल है, आप स्मोक देना चाहे ठीक, अगर नहीं डालना चाहें आप इसका स्मोक कोयले का तो बेशक छोड़ दीजिए। मैं डालती हूँ क्योंकि बहुत प्यारी आती है कोयले की, बारबेक्यू का टेस्ट आता है। तो हल्की आंच करेंगे और तकरीबन हो चुका हमारा ऑयल ड्राई। सॉरी ऑयल नहीं, इसका पानी ड्राई हो चुका। और बस अब इसे, ये देखिए जी, एक कटोरी में मैंने कोयले डाल ली और इसका स्मोक दू, बस इसे बंद कर देंगे। चलिए जी अब खोल के देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ये हटाएंगे, बस इसे डिश आउट करेंगे। हमारी कढ़ाई रेडी हो चुकी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो बस अब इसे काश मैं आपको खिला सकती, मैंने टेस्ट किया है, बहुत मज़े की बनी है। ये देखिए माशाल्लाह क्लोज़अप इसका। अब मैं इसे डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाह, मैरिनेट करने से इसका अच्छे से मसाला भी बन गया। ऐसे बनिए जैसे दावतों में हम बनाते हैं। ये देखिए जनाब, ये देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारा टेस्ट आया है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा आप लोगों की कैसी बनी। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारी, बहुत ही बेहतरीन बनी है। ये देखिए, और मेरे मसालों से बनाएगा जो जो मैंने डाले। और दुआओं में याद रखिएगा अपना, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।